नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को चंद्रयान के चंद्रमा पर उतरने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने लंबे प्रयास के बाद, अथक प्रयास के बाद ये सफलता अर्जित कर भारत का नाम दुनिया के उन 4 देशों में अंकित करवाया, जिन देशों के अभी तक चंद्रमा पर पहुँचने में सफलता हासिल की है। इसके साथ साथ मैं समस्त देशवासियों को, विशेष रूप से भारत और भारत से बाहर दुनिया में बसे हुए मिशन जय भीम के सभी कार्यकर्ताओं को मिशन जय भीम के 3रे स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और चंद्रयान की सफलता पर एक बात ज़रूर कहूंगा कि एक तरफ हमारा देश चंद्रमा पर पहुंच गया, लेकिन अभी हम जाति ख़त्म नहीं कर पाए, जाति के आधार पर होने वाला उत्पीड़न ख़त्म नहीं कर पाए। आज भी हमारे लोगों पर अत्याचार जारी है। जाति की वजह से घड़ा छूने पर हत्या हो जाती है, मूछ रखने पर हत्या हो जाती है, हमारे लोगों के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, बहन बेटियों की इज्जत लूट कर उनकी हत्या कर दी जाती है, विरोध करने पर हमारे घर जला दिए जाते हैं। आखिर ये कब रुकेगा? तो दुनिया तरक्की कर रही है और भारत आज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक देश के ऊपर कलंक है कि जाति के आधार पर आज भी हमारे देश में उत्पीड़न जारी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, भारत को गौरवान्वित करो, भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाओ। आइए, आप लोग को मैं निवेदन करता हूँ, आने वाले 26 अगस्त को सुबह 10 बजे सह ऑडिटोरियम राजनिवास मार्ग सिविल लाइन्स आप लोग आइए। वहाँ मिशन जय भीम का 3रा स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, जिसमें हम सब लोग वहाँ इकट्ठे होंगे 10 बजे और धूमधाम से 3रा स्थापना दिवस मनाएंगे। और 1 बजे सह ऑडिटोरियम से 26 अलीपुर रोड तक, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का राष्ट्रीय स्मारक है, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी, वहाँ तक संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ यात्रा, संकल्प यात्रा हम लोग निकालेंगे। और 2 बजे जाकर 26 अलीपुर रोड पर भारत के संविधान व भारत के लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लेंगे। मैं पुनः आपसे आह्वान करता हूँ, आप सब लोग आइए, आमंत्रित हैं, हम सब लोग आपके स्वागत में मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।